जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अज मैं तुहानू पुटन दी रान रोस्ट करनी सिखाउणी। पुटन आंदे ने टर्की नू, हलाल मतलब कि अगर जर्मनी च रह रहे हो तो हलाल किसी भी टर्किश दुकान ते हलाल गोश्त लई मतलब मिल जाती है उत्थे, ते इनू पुटन कहिंदे आ, ते इनू उर्दू च अहीं टर्की भी कहने, पंजाबी च इनू टर्की कहने। या शुतुरमुर्ग दी किस्म है, हलाल परिंदा है, मतलब कि इहदा कोई मसला नहीं। तो मैं रान रोस्ट करनी सिखाउणी, तो सब तो पहले इनू टक लावांगे, उह वी मैं तुहानू दस्सना वा। तो फिर यह जो चीज़ा ने भी मैं तुम्हें दसना कि ये आलू और टमाटर और प्याज और पुदीने का की काम है शिमला मिर्च का। लेकिन सब तो पहले असी इनू टक लाने, तो फिर उस तो बाद मैं तुम्हें इनग्रीडियंट्स दसना जी। टक लाने असी इनू लंबे रुख दे, थोड़े जे थोड़े गहरे लाने ने, क्योंकि इनू रोस्ट करना ओवन दे विच, इसलिए असी जा इहदे ना जिहड़े टक ने ओह इनू असी लंबे लावांगे थोड़े गहरे। और इस तरह इन्हें ने फास दो दो ढाई ढाई इंच के फासले तो रख के टक लाने ने इनू, तो इंशाल्लाह जी ना रान बड़ी जबरदस्त बनेगी। शुतुरमुर्ग का जो नसल इनू टर्की कहने, वो रान ही बना के तुम दस। इस तरह लंबे इन्हों टक लाने ने, तो ये ना सिरका जरा तकरीबन एक या दो चम्मच सिरका ही लाना है। तो ये ना जरा कि फिर उन्होंने पाँच तो दस मिनट प्या रहेगा, फिर ये जी ना स्मैल एक करी खत्म हो जाए, क्योंकि के जरा जंगली परिंदा वे या जंगली जानवर इन कह लो, तो ये स्मैल जी ना फिर खत्म हो जाएगी। इन थोड़ा जहाँ दो चम्मच अंदाजा जो ना सिरका लगाने, तो फिर इन धो लवेंगे। एक चम्मच हो गया, जो कट लगे ना इन्होंने थोड़ा जहाँ उंगली नाल करना, ताकि एक जजब हो जाए करी। तो पाँच दस मिनट दूसरी साइड से भी इस तरह करा, तकरीबन एक एक चम्मच ज्यादा, डरना नहीं कोई नहीं, थोड़ा जो ज्यादा कट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, धोल जाना। इन अं पाँच दस मिनट ही रख दें, उन्नी देर मैं तुम्हें इनग्रीडियंट्स दस देना वो, तो ठहर मैं रख लें। सबज मेरे दो तो तीन मैं इन्हों पीस लिया, नॉर्मल सबज दो तीन जी हो चार कर लो, जो अगर तुम तेज़ खाते हो चार कर लो, अगर तुम कट मिर्च पसंद करते हो सबज मिर्च से तुम एक कर लो, नहीं भी डालनी कोई गल नहीं, यह मतलब कोई बहुत मतलब जरूरी नहीं है। लेकिन मैं ये दो यूज़ की इस टाइम। अदरक लसन है वह पेस्ट है, तकरीबन चार या पाँच जड़िया ने तुरियाँ जड़िया ने थोम दियाँ ने, तो एक कोई चपक सारी जिन्होंने आते हैं अदरक है, यह कोई दस खाने के चमचे दही है, तो यह भी कोई एक अद्धी चमची कट दिया जो कोई दफे मसला नहीं है। अच्छा यह जनाब साबत जीरा वे एक चाय का चम्मच, जो तीन चमचे ने मतलब कि जो है एक चाय का जो चमचे है सुखी मेथी, यह दो तो तीन मैं सुरख मिर्च देख लाँगा अंदाजे न कि कितना मैं तुम्हें दसागा, लेकिन यह तीन चम्मच ने एवं यूज करांगे। डेढ़ चम्मच जिहड़ा वे छोटा वह वे दादड़ मिर्च जिहनूं असीं कहिंदे आ, एक जिहड़ा छोटा चाय का चम्मच जिहड़ा वे हल्दी, डेढ़ टू पौने दो अंदाजा जिहड़ा नमक है, चार पंच जिहड़ियां ने सबज़ इलायची है, डेढ़ छोटा जिहड़ा चाय का चम्मच है वह जिहड़ा सुका धनिया है, जिहड़ी अजवाइन है एक डेढ़ चम्मच है वे, तीन चार लौंग ने, तो यह काली मिर्च है हसबे जायका वे, यदा भी कोई मतलब कि जरूरी पार्ट नहीं है, अपनी मर्जी है। तो यह जरा वे इनू भी सबज मिर्च नू जो ना सुख पुदीना इनू असी मिक्स कर लवेंगे, इन खुशबू आ जाएगी। और इन्हों के बारे मैं तुम्हें बाद दसना वा कि करना वे, पहले एक करी चीज़ों मिक्स कर। जी हाँ जी नाजरीन, हूँ असी मसाले मिक्स करने ने। सब तो पहले असी दही लवेंगे, रान में मसाला ला के धो लिया, तकरीबन 10-12 मिनट मैं धो लिया वे इनू जनाब ला के सिरका, हूँ असी मसाले मिक्स करांगे सब तो पहले ये, तो वह मैं तुम्हें दसना किस तरह। सब तो पहले दही यूज़ करांगे। अच्छा एक मसाला मैं तुम्हें सब तो एंड दसांगे, जो असी मतलब नॉर्मली अगर बाजारों कोई भी चीज़ तंदूरी खाईए तो वो एंड तक मसाला छिड़क के दस दें, मैं तुम्हें वो रैसपी दसागा कि वह की चीज़ है, वह एक मैजिक मसाला वे वो यूज़ करते हैं नॉर्मली लोग जोड़े ने ना रेस्टोरेंट वाले, तुहाड़ी मर्जी है, लेकिन उन्होंने के टेस्ट डबल हो जाता चीज़ का, तो वह यूज़ करते हैं। तो मैं तुम दसागा की करते हैं, उन्होंने खुले रखे होंगे एक अलहदा मतलब कि
ਬਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਤਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਟ ਇਹ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੰਦੂਰੀ ਮਸਾਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤੰਦੂਰੀ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੰਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਹ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੁਦੀਨਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸਮੈਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਦੜ ਕੁੱਟੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਰੀਕ ਪੀਸਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੜ ਕਰਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਣਾ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਪੁਦੀਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਦਰਕ ਲਸਣ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਦਾਦੜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਟੇਸਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਪੇਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤੰਦੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੌਂਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੇਥੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ, ਇਹ ਦਾਦੜ ਮਿਰਚ, ਇਹਨੂੰ ਪਪਰੀਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਲਈ, ਹਲਦੀ, ਨਮਕ, ਨਮਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਚੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਡਾਲ ਦਿਉ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਚਮਚ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਅਜਵੈਣ, ਅਜਵੈਣ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦੂਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਜਵੈਣ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ ਇਲਾਇਚੀ ਔਰ ਧਨੀਆ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੰਦੂਰੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਹ ਜੈਸੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੈਲ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਮਸਾਲੇ ਉਹਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੰਦੂਰੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਾਈ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ। ਮਸਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਦੂਰੀ ਮਸਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਨ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਰਾਨ ਨੂੰ, ਕਈ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਰਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁਣੇ ਧੁਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਸਾਲਾ ਭਰਾਂਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਅਗਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਬਹਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਬਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ 12 ਘੰਟੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਛਿੜਕਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਛਿੜਕਾਂਗੇ, ਔਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਪਹਿਲੇ ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਿਆ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਛਿੜਕਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਿੰਬੂ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਦਾਂ ਨਿੰਬੂ ਛਿੜਕ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ,
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਤਲੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛਿੜਕਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਟਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲੂ ਭੁਜੀਆ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹੁਣ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਦਾ ਅਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲੂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਖੁੰਬੀਆਂ, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਇਹਦੇ ਰਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੇ ਲੰਬੀ ਪਪਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆਲੂ ਤੋਂ ਬਿਸਮਿਲ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਲਾਈਸਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, 3-4 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਲਾਈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਰੱਖਿਓ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਤਨੀ ਕੁ ਸੇਕ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗਲ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ, ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁੰਬੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਕਾਲੀ ਖੁੰਬੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਖੁੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਖੁੰਬੀ, ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਖੁੰਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਮੋਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਖੁੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਨ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਮਸਾਲਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੰਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿੰਗ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਨਾ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਪਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮਿਰਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਇਹ
खुंबियां साड़ियां रिंग्स ने टमाटर ने कतरे गोल गोल ही मसाले मिला रहे हैं आलू ने शिमला मिर्च भी रह गई मैं डाल देना शिमला मिर्च इन्हों हम क्योंकि ग्लव्स ने हाथ नाल मिक्स कर लांगे तो फिर दोबारा मसाला चेक कर लांगे अगर तो कोई कमी पेशी तो चेक कर लांगे हजी तो आराम नाल पोले हाथ नाल करना में चीज़ा टूटन ना मतलब रिंग्स वगैरह ने या टमाटर ने फिर ना जान बहुत आराम नाल जो असं मिक्स कर पाँ मसाला हम देना शुरू हो गया असी ये नींबू रह गया ही जरा अद्धा तुम दसा जी असी ये वो छिड़क लवेंगे नमक च थोड़ा जहा फर्क आ सकता वे तो वो मैं टेस्ट कर लेना वा तो जो है तो मैं तुम दस दिना कि अंदाजा है मेरा ख्याल पूरा होंगे लेकिन एक देख लेना मैं टेस्ट कर लेना थोड़ा जहा नमक घट है मैं दोबारा डाल लेना तकरीबन अद्धी चमची पै जाएगी तो ठीक हो जाएगी अद्धी छोटी चमची ही पावे जी नाजरीन मैं थोड़ा नमक थोड़ी जी मिर्च भी मैं थोड़ी डाल दी है अद्धी चमची तकरीबन ताकि थोड़ा करारा मैं क्या हो जाए काम बाकी एक अपनी मर्जी है टेस्ट कर लेना चाहिए नाल नाल ते इनू इस तरह जी नाजरीन वो जो रिंग वगैरह बनाए ने देखो कितनी फाइन क्वालिटी की चीज़ बन गई है और खुशबू इतनी आ रही है हम मैं तुम दस नहीं सकता कि किस तरह एक तो तुम ट्राई करो जरूर इस तरीके का तो देखो एयरिंग्स वगैरह जिस तरह इनू असं ना मारे इतने पिलावे ना मत्था बिल्कुल जिन्होंने सॉफ्ट हैंड के ने इंग्लिश रिंग जोड़े ने उत्ते खूबसूरती भी लगती है वैसे भी टेस्टी बहुत होंगे ने चीज़ वधा घटा सकते टमाटर ज़्यादा खाते हो या टमाटर नहीं खाते अपने मतलब टेस्ट के मुताबिक वो कर सकते हो यह तो बेसिक जो घर चीज़ा पीया ने मैं तो उस चीज़ ना ही बना लेना वा मेहमान वगैरह आ जाने एक नई चीज़ हो जाती है तुम एक ट्राई करना है पुटन की जी रान रोस्ट इन तंदूरी मसाला जो लगाना तुम सिखाया एक देखना कितना मजा आएगा तो उस मसाले नाल जो मैं तुम रेसिपी दसी मसाले टेंशन नहीं लैनी तुम एक जिते जिते जगह मिलती ना वो उत्ते डालो आराम नरम हथा नाल इस तो बाद मैं तुम दसना कि करना जिसे नाजरीन ये अं आलू फोली है जो इतने चांदी कागज़ ए लावे और फ्रिज रख देंगे अद्धे घंटे तो लैके बारह घंटे तक जिस टाइम थोड़ा देर ले घट तो घट अद्धा घंटा और वो तो बारह घंटे असं रखा तो फ्रिज जो अं यूज़ करना तकरीबन एक घंटा पहले ही कड़ लवेंगे क्योंकि तकरीबन इन एक घंटा लगना पकन लगे मैं तुम दसना वा इन असं हम आलू फोली चला के फ्रिज रख देना अं तकरीबन उन्होंने 45 मिनट ही रखना वे क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है तो मेरा दिल के अभी खाने देखिए शाम के खाने बना आराम कोई इतनी जल्दी नहीं आराम किया जाना जी नाजरीन आलू फोली अलग गया यह जो जगह इन थोड़ा जहाँ पानी उंगली पानी लगा के तो अभी फिर तो यह जुड़ जाएगा तो ये हवा नहीं फिर आएगी आर पार नहीं होगी दम लगा रहेगा जो अभी बनावे ना इन हमें कर दो एक दफा जो दोबारा चेक कर लेंगे ओवन रखने पहले जेद स्पेस है हवा है
तो नाल जुड़ जाएगा, ठीक हो गया। इन अभी हम फ्रिज रखना वे तकरीबन अद्धे घंटे तो लैके तो 12 घंटे तो इन्ना टाइम, ठीक है। असं इन ओवन च रखने तो तकरीबन 45 मिनट बाद खोल के वेने स्टीम के पकता रहेगा अपने। हाँ जी 45 मिनट हो गए जनाब, हूँ असी देखने खोल के कुछ साइड वगैरह जो चेंज करनी तो वह करने देखने इंशाल्लाह ताला। प्यारी खुशबू आ रही, गल गया सारा इंशाल्लाह बिल्कुल नरम हो गया, तो थोड़ी जन स्टीम हो गया तो आलू साढ़े गल गए ने, असं साइड चेंज करा एक दफा ताकि दूजे पास में सेक लग जाए, थोड़ा थोड़ा अंदर जरा पानी रह गया मोइस्चराइज जिन आने यह भी ताकि खुश्क हो जाएगा तो उन्नी दिन सा तैयार हो जाएगा सारा आराम की साइड चेंज करा। तो असी हम ला देंगे तक आलू कड़िया दिता है तो इन्हें उसी टेंपरेचर से तकरीबन 8-10 मिनट रखा पानी खुश्क होने तक तो फिर सा बिल्कुल रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। जी नाजरीन अं जनाब ये रायता बनावे, हसबे जरूर दही एक चुटकी जी है वह जीरा और एक चुटकी जी है नमक, हसबे जरूर नमक पाना, हसबे जरूर जीरा पाना, अस मिक्स करा और उस ना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं थोन तो दिखा ओवन दे रायता बन गया, देखो माशाल्लाह कितना अच्छा बनया। तो हाँ जी यह देखो नाजरीन ओवन सूरत हाल पक रहा है माशाल्लाह, पक तो गया वे वह पानी थोड़ा खुश करना होंगे ना, थोड़ा जहा फिर के कलर जो हों ब्राउन हो जाता ना थोड़ा जहा इन खुला छड़ रहे खुले सेक च पक रहा हूँ ओवन के माशाल्लाह। ये हाँ जी नाजरीन तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए ने, तो इस टाइम तो जो मैं तुम्हें कही मैजिक मसाला है लगना वे तो असं जतून दिन तेल लावे आखिरी 5-7 मिनट लिए तो मैं तुम लगा के दिखाना। हाँ जी जतून का तेल है ऐसी हम थोड़ा जो जतून का तेल लावे आखिरी 5 मिनट लिए क्योंकि साड़ी रान तैयार हो गई हुई है और चिप्स भी जोड़े ने भी तैयार हो गए तकरीबन 3-4 चम्मच अंदाजा कोई ये घट वध नहीं अपनी मर्जी के मुताबक लगाना है तो ये लेके टेस्ट जोड़ा वो डबल हो जाएगा। तकरीबन 4-4 चम्मच अंदाजा मैं लगाया दोबारा हूँ 5 मिनट लिए आखिरी रखना है ताकि किस धून का तेल जोड़ा वो ये अंदर जजब हो जाए। तो बाकी एक हड्डी ने गोश्त छड़ दिता हो जाए आलू साढ़े फ्राई हो गए ने तो बस धून का तेल और जोड़ा मसाला वे वह मैं थोड़ा जहा लगाना वा ए चाट मसाला यह मैं खुद घर तैयार किया वे जी है चाट मसाला खुद घर तैयार किया जोड़ा ए तकरीबन 2-3 चुटकियाँ जिड़िया ने मैजिक मसाला वे ए जड़े ने होटल वाले रान के उत्ते या कोई चीज़ भी लवो तो जो छिड़क देंगे ने वह वे मैं रेसिपी थोड़े शेयर कर देंगे इंशाल्लाह ताला नैक्सट वीडियो तो हूँ 5 मिनट लिए असं रखा। जी नाजरी ने तकरीबन 5-7 मिनट हो गए रखे जतून का तेल लगा तो बाद साडा रेडी है तो असं डिश आउट करने दिखाने। जी देखो नाजरीन साड़ी रान तैयार है फुल कुक हुई हुई है माशाल्लाह साड़ी रान तैयार हो गई है।
हाँ जी नाजरीन लाजवाब बन गया टेस्ट और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये तुसी खुद भी ट्राई करो घर 'च।